हेलो दोस्तों वेलकम बैक वंस अगेन टू आर चैनल बिलियन एजुकेशन वेर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन तो साथियों आज हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं सॉल्यूशन के पार्ट थ्री का सर ये पार्ट थ्री क्या है हम ऑलरेडी सॉल्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं पार्ट वन की और पार्ट टू की वीडियो में आज के भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एंड में थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन होंगे तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं आज का सेशन आप अपने दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए और आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है चलिए दोस्तों तो पहला क्वेश्चन ये है स्क्रीन पे अ सॉल्यूशन इज मेड बाय सॉल्यूशन को बनाया गया है बाय डिसॉल्विंग 20 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इन 500 हंड्रेड ऑफ वाटर इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर Is found to be 600 mm of HG. At 15 कैलकुलेट करना पड़ेगा चलो देखो कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला होता है पा इज इक्वल टू एम आर टी आई होप आप सबको पता होगा ओके श्रेया चेक कर लेता हूं मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूं तो हमें क्या पता करना है मोलिकुलर वेट तो पा इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू आर इंटू टी अपॉन वन अपॉन वी वॉल्यूम भी होना चाहिए और वॉल्यूम एम एल में है तो ये थाउजेंड तो देखिए एम इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू आर इंटू टी इन टू थाउजेंड अपॉन पाई इंटू वी होगा अब वैल्यू सब्सिट्यूट करते जाइए कितना मास दिया है ट्वेंटी और यहाँ पे लीटर एटमॉस्फेयर है तो ये हो जाएगा 0.082 टेम्परेचर कितना है 15 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 5 कितना हो जाएगा 278 मतलब 288 1000 अपॉन ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है प्यारे बच्चों 600 और ये तो mm में है तो इसे डिवाइड भी करना होगा किससे 760 से वॉल्यूम वो तो है 500 ओके तो 500 सो so, ये एक जीरो एक्स्ट्रा कहां से आया इसे तो मिटाना होगा ना चलिए मिटा दिए अब नेक्स्ट तो पांच सौ से टू टाइम ये चला गया ओके okay, फाइव से ये टू टाइम चला गया तो यहां पे आपकी वैल्यू एम है सो हाउ इट वुड बी तो ये देखो ट्वेंटी को मैं टू लिख दिया और ये जीरो पॉइंट एट टू हो गया इन टू टू एटी एट इंटू टू है और नीचे ये ऊपर आ जाएगा सेवन सिक्सटी और नीचे हो जाएगा सिक्स हंड्रेड यह हो गया और ये सिक्सटी है तो टू से ये कैंसिल थर्टी और ये टू से भी कैंसिल तो ये हो गया फिफ्टीन ओके तो टू एटी एट टू एटी एट इंटू जीरो पॉइंट एट टू तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 0.82 एट टू इंटू टू एटी एट अपॉन फिफ्टीन है तो फिफ्टीन को भी डिवाइड कर लेते हैं तो फिफ्टीन वन जा फिफ्टीन ओके टू 15 और ये टू एटी एट ओके टू एटी एट का जीरो पॉइंट एट टू से मल्टीप्लीकेशन है और फिर उसको डिवाइड करना है ओके ओके श्रेया तुम्हारा आंसर राइट right है बट इट इज ग्रेटर एट तो ऑप्शन ए तो होगा ऑप्शन ए होगा श्रेया ठीक है इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर टू एवरी वन क्योंकि इसमें सेवेंटी सिक्स भी मल्टीप्लाई करना है समझे सेवेंटी सिक्स भी मल्टीप्लाई करना है ओके okay. क्लियर है क्लियर है वीडियो को भी लाइक like कर दो प्यारे बच्चों देखो देखो सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं अगर 15 से डिवाइड करते हम और ये 300 होता तो इट वुड वु तो टू इंटू एट पॉइंट टू तो इट विल बी 4 और ये सी 16.4 तो 76 का 10 टाइम तो कितना हो जाएगा 760 और 76 का 6 टाइम आप समझ रहे हो ना इट विल बी मोर देन थाउजेंड ओके okay. लेकिन देख रहे हो वैल्यू कितनी कितनी नजदीक है कितनी नजदीक है देखो ना ये ए का वैल्यू और ये ट्वेल्व हंड्रेड का आपका कैलकुलेशन एकदम यूनिक होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन सिर्फ एक ही परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो है जे या फिर जे एडवांस इतना कम डिफरेंस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर पहला क्वेश्चन एक एकदम धुआंधार दे दिया आपने देखिए इसे फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फाइव परसेंट एक्व सोल्यूशन ऑफ एन एसीएल एंड के सी एल आर टू बी आइसोमोलर अरे देखिए पहला स्टेटमेंट खतरनाक दे दिया यार इसने. Hmm? पहला स्टेटमेंट पे क्या बोल दिया आइसोमोलर आइसोमोल Isomol मतलब क्या सेम नंबर ऑफ मोल्स सेम नंबर ऑफ मोल्स और इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट मुझे तो पहला ही गड़बड़ लग गया यार पहला ही गड़बड़ लग गया तो यही आंसर हो जाएगा ठीक है ठीक है ठीक है सर ऐसे क्वेश्चन बन जाते तो मजा ही आ जाता जी हाँ प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दो लाइक कर दो सब लोग फटाफट चलिए आगे बढ़ते हैं कारवा को आगे बढ़ाते हैं ग्रेप्स आर प्लेस्ड इन थ्री बीकर्स एक्स वाई एंड कंटेनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन आर शोन इन फिगर तो बीकर एक्स में पानी है तो वाई में क्या है और जेड में क्या है ये आपको बताना है प्यारे दोस्तों जल्दी 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 फास्ट इसका आंसर बताते जाइए देखो यहां पे इसके कंपेयर में पहले के कंपेयर में ये फूक गया ये फूक क्यों गया इसके अंदर सॉल्वेंट आया तो बाहर का जो सोल्यूशन था वो क्या था अंदर के सोल्यूशन के कंपेयर में उसका कॉन्सेंट्रेशन कम था मतलब ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था यह हाई कॉन्सेंट्रेटेड था और ये लो कॉन्सेंट्रेटेड था इसीलिए सॉल्वेंट अंदर आ गया ओके तो ये हाइपोटोनिक हो जाएगा तो वाई जो होगा ये होगा प्यारे बच्चों हाइपोटोनिक और दूसरे में देखो क्या हुआ श्रिंक हो गया मतलब पहले मोटा था अब पतला हो गया तो क्या हुआ सॉल्वेंट बाहर गया और सॉल्वेंट बाहर क्यों गया बाहर का सोल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था और इसीलिए उसे हम कहेंगे हाइपरटोनिक तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ए कौन सा आंसर ए ए ए ए, ए। तो वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक भी करते चलो लाइक भी करते चलो चलिए देखते हैं नेक्स्ट अ प्लांट शेल सरिंग वेन इट इज केप्ट इन प्लांट शेल मान लीजिए प्लांट का सेल है ये श्रिंक हो जाता है क्या हो जाता है प्यारे बच्चों ये श्रिंक हो जाता है मतलब पहले ऐसे मोटा था बाद में ऐसे पतला हो जाता है इसके पीछे रीजन क्या है तो पतला होने के पीछे रीजन सिंपल है कि इसका सॉल्वेंट बाहर गया है और सॉल्वेंट बाहर कब जाएगा सिंपल सी बात है जब बाहर का सोल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा मतलब हाइपरटोनिक होगा ओके श्रेया मैंने तुमको कैलकुलेट करके बताया है श्रेया ऑलरेडी देखो कैलकुलेट करके बताया मैंने तुमको सामने ही है ये देखो ना ऊपर की वैल्यू कितनी आ जाएगी सेवेंटी सिक्स इंटू तो देखो नीचे फिफ्टीन है नीचे कितना है फिफ्टीन ओके सो इट कम्स अराउंड दैट विन ओके इफ एनी प्रॉब्लम आई विल चेक इट लेटर ऑन तो ऑप्शन ए ही आ रहा है ओके श्रेया इफ एनी इशू इज देयर आई विल लेट यू नो ठीक है मैं बाद में भी कैलकुलेट कर लूंगा चलिए देखिए देखिए तो इसका आंसर बी होगा क्या होगा प्यारे बच्चों इसका आंसर जी हाँ बी हाइपरटोनिक सोल्यूशन ओके ओके जी हां प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर कैरिंग रिवर्स ऑस्मोसिस फॉर कैरिंग रिवर्स ऑस्मोसिस फॉर ऑफ़ वाटर आप सबको पता होगा समंदर के पानी को हम पीने योग्य बनाते हैं या फिर उसमें से सॉल्ट निकालते हैं ओके द मटीरियल यूज फॉर मेकिंग सेमी परमिबल इज मतलब इनका क्वेश्चन क्या है कि आप सेमी परमिएबल मेंब्रेन के लिए सेमी परमीएबल मेंब्रेन के लिए कौन सा मटेरियल यूज करोगे बताओ बताओ ये तो काफी आसान क्वेश्चन है जल्दी बता दो प्यारे बच्चों फास्ट फास्ट ओके तो इसका आंसर है पाचमेंट पेपर ओके okay, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है पाचमेंट पेपर या फिर पाचमेंट मेम्ब्रेन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस्ट्रियल और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ओके इनमें से कौन सा इंडस्ट्रियल या फिर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है यह आपको बताना है फास्ट इसका आंसर बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस्ट्रियल और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल इन टू प्लांट रूट्स एंड अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट अरे ये तो बहुत जरूरी है सॉल्टिंग ऑफ मीट टू प्रिवेंट बैक्टीरियल एक्शन ये मिल्ट का मीट का सॉल्टिंग करने की वजह से जो बैक्टीरिया है वो ऑस्मोसिस की वजह से काम तमाम होता है रिवर्स ऑस्मोसिस फॉर डिसनेशन ऑफ सी वाटर जी हाँ ये भी सही है फिलिंग ऑफ इनकी इन द फाउंटेन पेन यस 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 कल्पना गोसावी आप से ल्यूटली तुम्हारा आंसर सही है डी होगा गुड 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 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम वन विद कॉलम टू एंड मार्क द अप्रोप्रिएट चॉइसेस कॉलम वन एंड कॉलम टू आप देखिए और सही सही जवाब दीजिए तो मैंने बोला है ना हर बार जो आपको आता है वो पहले देख लीजिए तो यहां पे दे दिया है के बी तो के बी कैसे कैलकुलेट क्या, होता है ये बी होता है आर टी नॉट बी का स्क्वायर बी का फॉर्मूला है यूनिवर्सल गैस टी बी होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट एलवी ये होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन तो पहले वाले का तो थर्ड होगा और पहले वाले का थर्ड होगा मतलब ए का थर्ड है ए का थर्ड कौन से ऑप्शन में दिया है ए का थर्ड कौन से ऑप्शन में दिया है ए का थर्ड है और ए का थर्ड कौन से ऑप्शन में दिया है <laughs> यस डी हो जाएगा ठीक है बच्चों क्लियर है क्लियर है गुड 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 काम कल्पना गुड गुड श्रेया अपना आंसर चेक कर लो इज द मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन बाय मेजरिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ सोल्यूट इज एबनॉर्मल तो सिंपली इन लोगों ने पूछा है कि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों आती है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों आती है एट सिंपल एज़ दैट समझ में आ एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों आती है ओके इट्स वेरी सिंपल क्योंकि क्या होता है अगर आप इलेक्ट्रोलाइट लेते हो तो अंदर जाके क्या हो जाते हैं डिसोसिएट असोसिएट ये प्रॉब्लम होता है जी हां प्यारे बच्चों तो इसका आंसर हो जाएगा ए एसोसिएशन और डिसोसिएशन ठीक है हरशिव कपूर ये हरशिव कपूर एप करेक्ट ओम पाटिल एंड दवे बिरहानु आप आंसर चेक कर लो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट करेक्ट तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन बड़े डेंजरस होते हैं जिनमें पूछा जाता है नॉट करेक्ट तो प्यारे बच्चों इसका आंसर दो फटाफट और जो लोग भी जुड़ रहे हो वीडियो को भी लाइक करते जाओ धका धक धका धक क्या होगा इसका आंसर तो देखो आय होता है ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन एक्सपेक्टेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेक्टेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये सही है ओके नॉर्मल मॉलिकुलर अपॉन ऑब्जर्व मॉलिकुलर मास ये भी सही है याद रखना मोलिकुलर मास ऑपोजिट हो जाता है बिकॉज बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर मास और फिर तीसरा क्या दिया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्चुअली प्रेजेंट अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट ये भी तो सही है हो तो एक ही आंसर है डी बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन इसको ऊपर होना चाहिए था इसको नीचे होना चाहिए था तो ऑप्शन हुआ इसका डी आएगा डी वेरी गुड ओम पाटिल ओम पाटिल एप सल्यूटली करेक्ट वीडियो को भी लाइक कर दो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्टली मैच ए इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन वन अपॉन एन माइनस वन इन केस ऑफ डिसोसिएशन एज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन प्लस वन हम्म एन प्लस वन तो मैंने कहीं नहीं देखा mm -hmm. तो क्या होगा इसका आंसर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ओके रिलेटिव मतलब क्या होता है जब आप चेंज को जब आप चेंज को ओरिजिनल से डिवाइड करते हो वेन चेंज इज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल देन वी कॉल इट एज रिलेटिव चेंज तो इसमें जो आंसर है नो 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 इसका आंसर बी होगा क्योंकि डिसोसिएशन में नीचे है ना एन माइनस वन होता है समझे प्यारे बच्चों ये हर शिव कपूर एप्सल यूटली करेक्ट एप्सल यूटली करेक्ट हर शिव नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सेम वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर एज एस के फोर एफ सी एन सिक्स तो यहां पे देखो जब सेम वैल्यू ऑफ ऑफ फैक्टर मतलब क्या आई का वैल्यू क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए आई का वैल्यू क्या होना चाहिए सेम ओके okay, तो जरा के फोर एफ सी के लिए चेक कीजिए के फोर एफ सी एन सिक्स तो के फोर क्या देगा फोर के प्लस और प्लस एफ ई सी एन सिक्स फोर माइनस तो मतलब चार ये पार्टिकल और एक ये पांच पार्टिकल दे रहा है तो इनमें से कौन सा पांच पार्टिकल देगा ओके RLVP, ओके इधर देखो RLVP मतलब क्या होता है पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट ये देखो ये चेंज था ये चेंज था इसको तुमने ओरिजिनल से डिवाइड कर दिया तो जब चेंज को ओरिजिनल से डिवाइड करते हैं ना बेटा तो उसको रिलेटिव चेंज बोलते हैं जैसे मान लो मेरा वजन पहले मेरा वजन पहले सेवेंटी के था लेकिन अब कितना हो गया अब कितना हो गया सिक्सटी फाइव समझ में आया तो चेंज कितने का हुआ सेवेंटी माइनस सिक्स तो कितना आ गया फाइव बाई सेवेंटी तो जब चेंज को ओरिजिनल से डिवाइड किया चेंज हुआ पांच का और ओरिजिनल है सत्तर तो इसको बोलते हैं रिलेटिव चेंज और बगल में तो यार तुमको पता ही है वो क्या आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट क्या आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट यस yes. ज एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू ठीक है क्लियर है अरशिव कपूर अरशिव कपूर आपको समझ में आ गया बेटा फंडा ओके चलो मैं इसका भी आंसर बता देता हूं किसमें उतने आयन आएंगे तो इसमें ए में उतने आयन आएंगे किसमें आएंगे उतने आयन ए में कैसे यहां पे देखिए ए एल टू एस ओ फोर थ्रा ओके तो ये क्या दे देता है टू ए एल प्लस थ्री प्लस थ्री ओ फोर माइनस टू तो ये देखो दो इसका तीन इसका टोटल पांच आयन ये भी देगा तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों ए हो जाएगा क्या हो जाएगा ए गुड 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 पी जो है ना पी इज ऑफ सॉल्यूशन पी नॉट जो है वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का है और जो पी है ना हर्षिव वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है ठीक है ये ये प्रेज करेक्ट चलिए इसका आंसर बताओ प्यारे बच्चों फॉलोइंग सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा तो कॉन्सेंट्रेशन इन टू आई फैक्टर आपको देखना है तो मेरे को तो लगता है भैया सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन तो फोर्थ का है क्यों बताओ उसमें देखो टेन टू दावर माइनस टू है और एन ए सी एल दो टू इंटू टेन टू दावर माइनस टू ओके सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ओके उसके बाद देखो किसका टेन टू दावर माइनस थ्री एम जी सी एल टू का ये yes, तो क्या हो जाएगा थ्री इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री सर थ्री क्यों किए क्योंकि बेटा एम जी सी एल टू टूटने के बाद क्या देगा एम जी प्लस टू प्लस टू सी एल माइनस तो टोटल तीन आयन आते हैं तो इसका कॉन्सेंट्रेशन थ्री टाइम बढ़ जाएगा तो सबसे ज्यादा होगा कौन सा फोर्थ उसके बाद कौन सा आएगा थर्ड उसके बाद कौन सा आएगा ये yes. फर्स्ट आएगा फर्स्ट क्योंकि फर्स्ट में हो जाएगा टू इंटू टेन टू दावर माइनस टू क्योंकि एन ए सी एल है और एन ए सी एल टूट के क्या देता है एन ए प्लस प्लस सी एल माइनस आया समझ में क्लियर है क्लियर है तो सबसे ज्यादा फोर्थ फिर थर्ड फिर वन फिर सेकेंड ऑप्शन सी बोले मेरे प्यारे बच्चों समझा कि नहीं शिव कपूर एप्स सल्यूटली करेक्ट बच्चों लाइक कर दो लाइक कर दो फटाफट सब लोग लाइक कर दो वीडियो को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका फ्रीजिंग पॉइंट हाइएस्ट होगा याद रखना यहां पे बच्चे बहुत सारी गलती कर जाते हैं वो सोचते हैं लोवेस्ट सोचना है तो लोवेस्ट उसका होता है जिसके अंदर जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट आयन या फिर जिसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है उसका लोवेस्ट होता है लेकिन अपने को क्या पूछा है Highest. तो अपने को क्या देखना है लोवेस्ट कॉन्सेंट्रेशन लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन या फिर जिसमें इलेक्ट्रोलाइट ना हो डिसोसिएशन हो ही ना तो कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी बताओ प्यारे बच्चों यह कल्पना गोशावी करेक्ट कल्पना यस yes, यूरिया का होगा क्योंकि पता है क्या ये तो टूटेगा ही नहीं ये तो टूटेगा ही नहीं तो ये तो नॉर्मल टेम्परेचर जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा उस पर फ्रीज होगा लेकिन के सी एल ए एल सी एल थ्री एन ए सी एल टूटेंगे तो उसको और ठंडा करना पड़ेगा और ठंडा करना मतलब फ्रीजिंग पॉइंट और कम करना पड़ेगा समझ में आया इसीलिए ऑप्शन डी होगा ओके ओके प्यारे बच्चों आपको वीडियो भी लाइक करते चलना है हर्षीव कपूर डी होगा बेटा डी होगा नेक्स्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन ए टू एसओ फोर देंट ऑफ फैक्टर आय यूज फॉर कैलकुलेटिंग मॉलिकुलर मास वॉट टू एन ए प्लस प्लस एसओ फोर माइनस टू तो स्टार्टिंग तो में वन था जीरो ये वन माइनस अल्फा ये टू अल्फा और ये अल्फा देखो इसमें दो है ना तो आई क्या होता है ऑब्जर्वड अपॉन थ्रियालर्व अपॉन थ्रिया अल्फा अपॉन ये देखो वन तो क्या आ जाएगा alpha, alpha. One, मतलब one oh, good, कामना. कामना क्या बात है आंसर दे रही हो फटाफट गुड 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 प्यारे बच्चों वीडियो को भी लाइक करते चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सोलूट द वेंट ऑफ फैक्टर इज नॉट ग्रेटर देन मतलब आय एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए मेरे भाई मेरे भाई ए आई एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए मतलब क्या उसका डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए अगर वो डिसोसिएट हो गया तो उसका वेंट ऑफ फैक्टर एक से ज्यादा हो जाएगा तो मेरे बाबू याद रखना उसका वेंट ऑफ फैक्टर एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो कौन होगा वो अरे सिंपल सी बात है जिसका वेंट ऑफ फैक्टर एक से ज्यादा नहीं है वो कौन है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो इनमें कौन है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोचो सोचो प्यारे बच्चों और जल्दी से मुझको बता दो तुम लोग जल्दी 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 अरे एन एन ओ थ्री कामना टूटता है एन एनओ थ्री टू आईन देगा बी ए सी एल टू बी ए सी एल टू थ्री दे देगा ओके okay, ये टू दे देगा और ये तो कितना देगा पता ये पांच देगा लेकिन यूरिया एक ही देगा कोई मुझे बताएगा ऐसा क्यों यूरिया क्यों एक ही देगा Why, यूरिया विल गिव ओनली वन क्या है रीजन उसका सिंपल सी बात है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है मेरे भाई क्लियर है यस yes. तो इसका आंसर होगा डी चलिए नेक्स्ट 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 व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ जीरो पॉइंट वन मोलर एन जी एनओ थ्री ट्वाइस सोल्यूशन इफ अल्फाइफ एंटो फैक्टर इज टू पॉइंट सेवन फोर तो डिसोसिएशन है तो so डिसोसिएशन का फॉर्मूला आप सबको पता होगा आई अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन N क्या होता है नंबर ऑफ आयन फर्निश तो एम जी एन ओ थ्री कैसे टूटता है एम जी प्लस टू प्लस टू और ये थ्री माइनस तो इसके कितने मतलब वैल्यू तीन हो गया मेरे भाई और आय तो आपको दिया ही है कितना दिया है टू पॉइंट सेवन फोर माइनस वन अपॉन थ्री माइनस वन वन पॉइंट सेवन फोर अपॉन टू तो ये क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट टू एट जिक्सटीन टू सेवन जोटीन जीरो पॉइंट एट सेवन हो गया अल्फा का वैल्यू लेकिन यहां पे तो परसेंट दिया है सौ से मल्टीप्लाई कर दे मेरे दोस्त जल्दी बता दो फास्ट आंसर क्या होगा ये कल्पना गुड 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 इट विल बी 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 नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाइएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट एट वन एटमोस्फियर हाइएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट देखो वापस गड़बड़ी कर रहा है ये ये वापस उल्लू बना रहा है आपको हाइएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा मतलब सिंपल सी बात है जो टूटेगा नहीं जो टूटेगा नहीं तो बताओ कौन नहीं टूटेगा बोलो तो ना हम्म अरे कहाँ गए तुम बाकी के लोग भी आंसर दो ये इस प्यारे बच्चों ये कल्पना तो इसका आंसर क्या होएगा? ये होएगा। 0.1 मोलर शुगर सोलूशन क्योंकि शुगर जाके टूटेगा ना नेक्स्ट क्वेश्चन अ सल्यूट एक्स वेन डिजोल्व इन सोलवेंट असोसिएट टू फॉर्म अ पेंटामर समझ में आ रहा है मतलब इसका पांच मिलके क्या बना देता है एक बना देता है वन बाय फाइव समझ में आया द वैल्यू ऑफ एंट फैक्टर विल बी अरे जब पांच से एक बन रहा है तो सिंपल सी बात है ये जीरो पॉइंट टू हो जाएगा गुड 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 डी नहीं होगा सी होगा आसान सा क्वेश्चन था चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आपके दिमाग की काबिलियत व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ जीरो पॉइंट फाइव मोलर केसीएल सोल्यूशन द मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर इज वन पॉइंट एट सिक्स डिग्री सेल्सियस पर मोलर तो क्या होगा डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल टू के एफ इंटू एम ठीक है डेल्टा टी एफ क्या है के एफ इंटू एम के एफ दिया है आपने को के एफ कितना है 1.86 इनटू मोलालिटी कितनी है 0.5 पॉइंट फाइव बट भूलिएगा मत ये सी एल है के सी एल तो आई फैक्टर भी मल्टीप्लाई होगा और उसका आई फैक्टर दो आ जाएगा मतलब ये सिक्स है लेकिन ये क्या है डेल्टा टी एफ है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज इक्वल टू वन पॉइंट एट सिक्स इज दर और प्योर सॉल्वेंट का कितना होता है जीरो होता है पानी 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 का कितना होता है जीरो डिग्री सेल्सियस समझ में आ रहा है 273 चिहाना. तो टी एफ क्या टी एफ आ जाएगा माइनस वन पॉइंट एट सिक्स बच्चों आ गया समझ में तो इसका आंसर होगा ए ए ए ए ए क्लियर ए, जल्दी ए. जल्दी आंसर दे दो प्यारे बच्चों टेंशन ना लो तुम किसी भी चीज का व्हाट अमाउंट ऑफ CaCl2 इज डिसॉल्वड इन टू लीटर ऑफ वाटर सो दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.5 एटमॉस्फेयर एट 27 डिग्री सेल्सियस देखिए बड़ा ही धासू क्वेश्चन है ये जेई लेवल का क्वेश्चन है आप इसे लगाने की कोशिश कीजिए तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी अगर मैं और अच्छी भाषा में लिखूं तो यहां पे इज इक्वल टू एम आर टी वट इज एम कॉन्सेंट्रेशन तो पा इज इक्वल टू एन अपॉन वी इन आर इन टी हो जाएगा ओके नो डाउट फैक्टर भी आएगा प्यारे बच्चों इज दैट क्लियर और इन लोगों ने क्या पूछा है पा इज इक्वल टू तो W by M, M molecular वेट है यहाँ पे one upon V into R into T into R. तो अब molality को आप इधर लिख दिए molecular मास को इधर रख दीजिए. तो इन्होंने W पूछा है, W पूछा है प्यारे बच्चों. इन्होंने क्या पूछा है? W W. तो एक काम करते हैं. What amount of CaCl2 इज dissolved? इन टू लीटर वाटर सो दट इट्स ऑटमोटिक प्रेशर इज जीरो पॉइंट फाइव ए टी एम एट ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस ओके तो पाई इज इक्वल टू पाई का वैल्यू जीरो पॉइंट फाइव तो प्यारे बच्चों हम लोग को वैल्यू पूछा है किसका हम लोग को वैल्यू पूछा है डब्लू का तो हम लोग डब्लू को ऐसे ही रहने देते हैं बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू वी अपॉन आर इंटू टी इंटू आई इज इक्वल टू डब्लू चलिए वैल्यू रखते हैं पाई का वैल्यू कितना है जीरो पॉइंट फाइव इनका मॉलिक्यूलर मास कितना है सी एल टू सी ए का चालीस होता है और क्लोरीन का थर्टी फाइव पॉइंट फाइव का डबल तो सेवेंटी वन मतलब वन 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 ओके हंड्रेड एंड इलेवन हो गया ये इन टू वॉल्यूम कितना है दो लीटर है नीचे आर कितना है जीरो पॉइंट जीरो एट टू जीरो पॉइंट जीरो एट टू और फिर यहाँ पे हमारा टेम्परेचर कितना है ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस मतलब थ्री हंड्रेड और फाइनली आई फैक्टर कितना है सी एल टू का आई फैक्टर होता है थ्री क्योंकि वो टूट के तीन आयन देता है अब प्यारे बच्चों देखिए इसको करने का सिंपल तरीका जीरो पॉइंट फाइव है नीचे ये क्या हो जाएगा एट पॉइंट टू इन टू थ्री इंटू थ्री तो ये क्या हो गया हंड्रेड एंड इलेवन अपॉन नाइन टू एट पॉइंट टू ओके तो नाइन एटीन एटीन को एट वन 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 नाइन सेवेंटी सेवेंटी टू एंड थ्री पॉइंट पे डेसिमल और ये ऊपर हंड्रेड एंड इलेवन राइट तो सेवेंटी थ्री से ये जाएगा ऑब्वियसली वन पॉइंट समथिंग आएगा तो इसका आंसर प्यारे बच्चों डी हो जाएगा बोलो आ गया समझ में बोल दो ना जरा समझ में आया के नहीं इसका आंसर डी होगा रे प्यारे बच्चों चलिए इसे देखिए द वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ जीरो पॉइंट जीरो फाइव मोलर सोल्यूशन ऑफ केसीएल इज वन पॉइंट नाइन फाइव द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ केसीएल इज सॉरी तो ऐसे कैलकुलेशन वाले सम जेई में आते हैं हम हाँ? तो जेई का भी हम करा दे रहे हैं सो इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन दैट विल बी इक्वल टू तो वेंट ऑफ फैक्टर कितना है वन पॉइंट नाइन फाइव माइनस वन अपॉन ये कौन सा KCL है तो ये टू माइनस वन तो वन पॉइंट 9.5 फाइव माइनस वन विल बी जीरो पॉइंट नाइन फाइव अपॉन वन कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जीरो पॉइंट नाइन फाइव इज दैट क्लियर अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन तो आई माइनस वन पॉइंट नाइन फाइव माइनस वन और नीचे नंबर ऑफ आयन फर्निश टू तो जीरो पॉइंट नाइन सेवन आएगा नहीं ही नाइन फाइव आएगा श्रेया प्लीज चेक योर आंसर मैंने जो किया है वो तुम्हारे सामने है श्रेया नेक्स्ट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन देख लो यहां पे प्यारे बच्चों द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ अ नाइन ग्राम ऑफ एमजीसीएल इन वन के ऑफ वॉटर इज के तो डेल्टा टी बी पूछा है इज इक्वल टू के बी इंटू एम होता है एम क्या होता है डब्लू बी अपॉन एम बी इंटू वन अपॉन डब्लू ए और ये किस में होता है केजी में तो ये देखो के बी का वैल्यू कितना दिया है जीरो पॉइंट फाइव टू मास कितना दिया है नाइन पॉइंट फोर थ्री मॉलिकुलर मास कितना है नाइन्टी और आई फैक्टर भी आएगा इसका तीन का एमजीसीएल फैक्टर भी आएगा तो ये कितना हो जाएगा ये टेन टाइम गया जीरो पॉइंट फाइव टू इन टू थ्री डिवाइड बाई टेन तो ये कितना प्यारे बच्चों क्वेश्चन अच्छे वाले हैं तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा ए ठीक है आपके सामने है सोल्यूशन देख लो ओके ये सारे क्वेश्चन आप मैक्स टू मैक्स एक से डेढ़ मिनट में करने चाहिए लास्ट बट द ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है तो आज इसी के साथ हमारा कारवा खत्म होने वाला है प्यारे बच्चों क्या बोला गया है जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन मोलल सोल्यूशन ऑफ पीटी एनएक्स थ्री फोर सी एल फोर इन वॉटर है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब सिंपल सी बात है बिडू डेल्टा टीएफ दे दिया है डेल्टा टीएफ कितना है 0.0050 54 डिग्री सेल्सियस केएफ कितना है 1.8 करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू एम इनटू आई डेल्टा टीएफ कितना है 0.0054 केएफ कितना है 1.80 इनटू एम मोलारिटी कितनी है 0.001

पहला वाला दो आयन देगा देखो ना Cl को निकालने के बाद जो कॉर्डिनेशन फियर है उस पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा ये तो जीरो मतलब ये एक ही पार्टिकल, है इसमें। ये तीन पार्टिकल देगा और ये कितना देगा चार देगा बोलो समझा कि नहीं तो इसका ऑप्शन होगा सी क्योंकि सी तीन आयन फर्निश करेगा तो प्यारे बच्चों ये थे आज के धुआंधार क्वेश्चंस बोलिए आप सबको समझ में आ गया जल्दी जल्दी बोलिए ऑप्शन सी आएगा श्रेया किधर किधर किल्यूशन तुम्हारे सामने है आई फैक्टर तीन आ रहा है तो नाइन्स तीन आएंगे बोलो 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 समझा कि नहीं अगर नहीं समझा है तो विल रिपीट इट अगेन फास्ट 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 जल्दी जल्दी कौन सा पार्ट रिपीट करूं देखो देखो यहां पे इन लोगों ने डेल्टा टीएफ का वैल्यू अपने को दे दिया है जीरो पॉइंट जीरो जीरो का वैल्यू भी दिया है देखो यहाँ पेट जीरो मोलालिटी अपने को दिया है जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन और आई मैंने सिंपल आई को कैलकुलेट किया जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव फोर उसको डिवाइड कर दिया वन पॉइंट एट और जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन तो मैंने इसको भी मल्टीप्लाई किया थाउजेंड से और इसको भी मल्टीप्लाई किया थाउजेंड से थाउजेंड से ये भी मल्टीप्लाई किया thousand से ये भी मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स कितना हो गया तो थ्री टाइम आएगा ना तो आयन तीन कौन दे रहा है सी दे रहा है आयन तीन कौन दे रहा है सी दे रहा है बोलो समझा क्लियर है ओके तो प्यारे बच्चों इसी के साथ आज का अपना सेशन खत्म हुआ हम मिलेंगे अपने कल के सेशन में और हम डिस्कस करेंगे द तो थर्ड चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम तो मैं टेलीग्राम पे उसकी लिंक शेयर कर देता हूँ वीडियो की और वन शॉट भी तो आप आयनिक इक्विलिब्रियम को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और आज आइए कल के एन के सेशन में थैंक्स लॉट फॉर अटेंडिंग द सेशन टूडे ओके चलो प्यारे बच्चों बाय